यार दोस्तों, जब स्कूल में पढ़ते थे तब कितने अच्छे दिन होते थे। बिना दोस्तों के अच्छा नहीं लगता था। कुछ खाने को दिल करता था तो ये होता था, चल यार भाई चल साथ में यार ये खा के आते। उसका अगर दिल भी ना रहे दोस्त बंदे का तो फिर उसे जबरदस्ती बोला जाता था, यार चल मेरी यार ये मेरी कसम है यार दोस्त, चल यार कुछ खा के आते हैं, साथ में कुछ खाएंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे, तब आएंगे। तो दोनों लोग जाते थे कुछ खा पी के, फिर कहीं वापस आते थे और हंसी मजाक होती रहती थी, खेलते साथ में थे। संडे का दिन आता था तो ये होता था, भाई आज संडे, कल संडे है, आज शनिवार है, यार छुट्टी से पहले तय कर लो कि आज मैच कहाँ खेलने चलेंगे और चल के मैच खेलेंगे यार, कल वहीं पर मुलाकात होगी, वहीं पर अच्छे से बात होगी। पूरे रास्ते हंसी मजाक करते रहते, कब घर पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन ये नहीं पता था ना कि एक दिन इतनी बड़ी तन्हाई आएगी, इतनी बड़ा वो होगा कि हम लोग इतने दूर हो जाएंगे। तुम लोग कहीं होगे, हम लोग कहीं होंगे, इसका कोई पता ही नहीं था। हम किसी अनजान शहर में होंगे, तुम कहीं अनजान शहर में होंगे, पड़े होगी। सिर्फ फर्क इतना है कि कोई अच्छा काम पा गया, कोई अच्छी जॉब पा गया, कोई बस वैसे ही रह गया जैसे कि जैसा था यार। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार दोस्तों, मेहनत तो सभी करते हैं, तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, लमसम सभी उतनी ही मेहनत करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखता हूँ कि अगर दोस्त जब गांव फिर जाते हैं, अगर मिल जाते हैं, तो वो कभी ये नहीं कहता कि यार तू तो मेरे से कम पैसे कमाता है, यार तेरे से क्या बात हो। फिर वो भी वो वही भैरवी महफिल में चाहे चार लोग रहे हो बुलाएगा, आ जा यार भाई तू तो मेरा दोस्त है यार, मेरे साथ पढ़ते थे। वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास, मैं तो इतना बड़ा हो गया, मेरे पास तो पैसे से हो गए। उन बंदों के यार सलूर करता हूँ यार, सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई लोग मेरे बारे में भी थोड़ा याद रखते हैं, सोचते हैं। हकीकत बताऊँ ना, कुछ लड़के कहते हैं यार तू तो शहर जाके बहुत बदल गया। यार दोस्त में बदला नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी मुझको बदल गई, हकीकत में बता रहा हूँ। पहले वो मजबूरियाँ नहीं थी, न कुछ था, सिर्फ खेलना था, पढ़ाई करना था, खाना खाना था, शौक करना था। लेकिन अब शौक नहीं, अब कुछ करने की उम्र है, कुछ ना करूँगा तो क्या करूँगा, कितने दिन ऐसे ही गुजारा चलेगा, क्या ऐसे ही जिंदगी पार हो जाएगी, नहीं होगी। अगर इसी उम्र में हम मौज में पड़ गए ना यार, तो सच में बताता हूँ फिर आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय उम्र हर चीज़ की इम्तहान लेती है। इसी उम्र में तुम्हारी हर चीज़ की इम्तहान होगी, तुम्हें अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे से बुरे लोग मिलेंगे। जो अच्छों की पहचान में मिल जाते हैं उन्हें अच्छे अच्छे बन जाते हैं, और जो बुरे लोगों के साथ मिलकर ज़िंदगी बिताने ये उम्र बिता देते हैं उन्हें, फिर बुराई के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, वो बुरे हो जाते हैं। होता है यार ऐसा, हमारे साथ भी हुआ है, कईयों के साथ हुआ होगा। मैं भी कुछ बुरे लड़कों के साथ पड़ गया, उन्हीं के साथ है यहाँ से करने लगा, इधर उधर घूमने लगा। लेकिन अब समझ आ गई ना, शादी हुई, शादी होने के बाद में कहते नहीं एक शादी होने के बाद जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, हकीकत है यार दोस्त। शादी से पहले अगर तुम संभले हो ना तो बहुत अच्छा, अगर अयासी कर रहे हो, घूम फिर के ज़िंदगी बिता रहे हो ना, बहुत बुरा कर रहे हो यार दोस्त। संभल जाओ, मैं यही कहूँगा, संभल जाओ। संभल गए ना तो ये सोच लेना कि बहुत कुछ बन जाओगे, अगर नहीं संभले ना तो मेरी तरह ज़िंदगी बिताओगे किसी शहर में,
थोड़े बहुत पैसे कमाओगे और फैमिली को पालोगे, इसी में तुम्हारा बहुत दिक्कत होगा, तुम परेशान रहोगे मेरी तरह, जैसे मैं हूँ ना उसी तरह तुम भी परेशान रहो। आगे क्या कहूँ, आगे बोलूँगा, लेकिन अब चलता हूँ इसी के साथ, क्योंकि उतना टाइम ना है यार कि अब बातें करूँ, क्योंकि रूम पर आ गया हूँ, काम भी है अभी तक ड्यूटी करके, अब शाम हो गई, अब आया ड्यूटी से, अब रूम पर भी काम रहता है, अब चलो खाना पीने के लिए ध्यान दूँ, खाऊँगा नहीं यार, तो सुबह फिर ड्यूटी जाना है, फिर ड्यूटी से फिर शाम, रोज डेली यही काम है। चलता हूँ, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो यार तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक करके बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगती है, कमेंट करते हो ना तो सच में ऐसा लगता है हाँ भाई आप लोगों ने कमेंट किया। अभी एक भाई ने कमेंट किया कि भाई मैं भी याद हूँ, मैं बोला यार अच्छी बात है, आप भी याद हो, हम भी याद हो, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, मैंने भी उनका सपोर्ट किया, वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, मैंने भी उनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वो मेरा किया ही या ना किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई तुम कोई भी हो अगर मुझे बोलोगे ना तो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूँगा, तो आप सपोर्ट करो बस। चलता हूँ इसी के साथ, तब तक के लिए बाय।